जय सियाराम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय सियाराम। जय जय सियाराम। इतना सरल खेल नहीं है जितना सरल आपने परोसा। आप जिस समय दत्तासुर को जन्म दिया गया, उनके पिता कष्टा ने क्रोध के वशीभूत होकर के इंद्र को मारने के लिए पुत्र प्राप्त किए कि यज्ञ किया और उनसे सामासिक दोष हो गया। यज्ञ में आहुतियां देते समय उन्हें यह कहना चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, लेकिन क्रोध के कारण उनके मुख से निकल रहा था कि इंद्र से मरने वाला पैदा। तो वृत्तासुर का तो इंद्र से बल ही होना था। हम आपकी सारी बात को स्वीकार कर ले, इतनी ईमानदारी इसमें स्वीकार नहीं करेगा। दधीच ने अपनी स्त्रियों को दिया, पत्र का निर्माण हो गया। काहे, तुम्हारे पिता भी वहीं पर खड़े थे, याद तो आपके पिता विश्वप्रभा भी खड़े थे। रुक जाओ, मैंने कहा रुकिए, नहीं सुन रहा, आप देखिए तेरे सुना तो पहले भेजे भाई, ये तो जबरदस्ती सुनो। तुम्हारे पिता भी वहीं खड़े थे, तुम्हारे बाबा पुलस्त भी उस युद्ध में थे, यहां तक कि अगस्त ऋषि भी उस युद्ध में थे, अंगिरा महाराज भी उस युद्ध में थे, और सभी इंद्र की विनय कर रहे थे कि तुम वृत्तासुर का वध करो। काहे, वज्र था, तुम्हारे पिता ही उठा करके मार देते वृत्तासुर को। काहे, वज्र से तो मरना था, वज्र से ही तो मरना था आपके कथन सा। तो वज्र था, तुम्हारे पिता मार देते, तुम्हारे बाबा मार देते, अगस्त भी मार देते, अंगिरा भी मार देते ना। तुम्हारे बाबा खड़े होकर के इंद्र की अंगने विनय कर रहे थे और उसी समय तुम्हारे बाबा के द्वारा इंद्र को नारायण कवच धारण करा करके फिर इंद्र से प्रार्थना की गई, जाओ वृत्तासुर का आप वध करो। तो काहे, वज्र तो था, काहे तुम्हारे पिता उन्हें विनय कर रहे थे, मार देते वज्र। जैसे अब एक हम आपने जोड़ी हमारी बात जोड़ने दो, मैंने कि आप अभी तक जो रख रहे उसी पर उत्तर कर रहे हैं, अगर हमें भी जोड़ लेने दो, हमें भी तो एक बात जोड़ने दो, हम तो अभी तक आपकी भी बात का उत्तर कर रहे हैं, हम बिल्कुल समाज से उत्तर सामाजिक बात रखेंगे। और मैं समझता हूं सामाजिक बात बहुत बढ़िया समझ में आती समाज है। सीमा पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रख दिए जाए और सैनिकों की नियुक्ति न हो तो रावण जैसे लोग कहेंगे कि हमारी सीमा की रक्षा तो अस्त्र शस्त्र कर लेंगे, सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं छोड़ रहा हूं, अब और हम पहले यहीं से शुरू हो जाए। जो सामाजिक भरोसा कहे, अगर अस्त्र शस्त्र न हो और सैनिक खड़े कर दिए जाए तो क्या रक्षा हो जाएगी? और इसी क्रम में बहुत सुंदर वार्ता चल रही है। आप है व्यापार मंडल 12 तुरई के अध्यक्ष नरेश चंद द्विवेदी बउआ भैया, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं। राजबेन तिवारी गांधी जी कल्याणपुर, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं। और बैरमपुर राधाकृष्ण सरस्वती इंटर कॉलेज बैरमपुर के प्रबंधक छोटे भाई अनुपम दीक्षित जी के द्वारा, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं। और आप है मुरारी शुक्ला जी बमियान प्रेम निवासी, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं। और आप है बीएसएनएल के अधिकारी भाई अमित मिश्रा जी 12 चौड़ी निवासी, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी और रावण जी को प्रदत्त की गई है। कोट कोट साधुवाद। देखिए, आपने इतनी लंबी कथा सुनाई, मैं तो सबको उत्तर कर रहा हूं, तो बच्ची के जोड़ कर कह रहे हैं क्या था? वज्र तेज हीन था, इंद्र थे उसका आतंक था, वज्र क्या था? तेज हीन था। अर्थात महत्व किसका हो गया? जब तक तेज हीन था वज्र से मार नहीं पाए। अगर इंद्र महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तुम्हारे जोर दे रहे हो कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो वज्र तेज हीन था, केवल मान लेते ना। बात यही है कि वहां संत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो है, अगर
नहीं दोस्त उसी को काम करना साधारण संस्कृति इसको आप भोजन समझ के करें और बड़ा सुपाच्य भोजन दे रहे हैं नहीं अधिक हो जाएगा तो हम लोग भी खाने उतरेंगे नहीं इसकी चिंता नहीं फिर हमारा दल कमजोर नहीं है ये बात ध्यान रहे हमारे पास अकेला एक पार्टी है प्राय सभी यही समझते हैं कि हम अकेले काफी और ईमानदारी से वर्तमान में अकेला केवल एक काफी आपन चले कदा कर ली है अगर दूसरा उदाहरण बताओ कौन गया हो जाने अकेले दोनों प्रकेले इतने कैसे सेना बना के इनके चिंते जितने गए सब इसके लगातेदार व्यवहारी बड़ा सुंदर अभिनय श्री रावण जी और श्री मानस अधिकार इससे प्रभावित है श्री राम किशन विश्वकर्मा इतना आपने 50 मुद्राओं से दोनों ही कलाकारों का सम्मान किया है बहुत बहुत शुभकामना उसी युक्त में एक नमुचि नाम का दैत्य था वो दत्तासुर की सेना का सेनापति भी था इंद्रे एक बार नहीं महत्वपूर्ण क्या होता है इंद्र है नमुची है वज्र भी है लेकिन वज्र नहीं हो रहा आकाशवाणी हुई कि नमुच का पद केवल और केवल समुद्र फेंक के हो सकता तो देखिए ठीक उसी तरह हम बात को ज्यादा लंबी न करके सीधे जोड़ रहे हैं ठीक उसी तरह कि कभी ये बिल्कुल सही है कि व्यक्ति का महत्व है भगवान शंकर तो सर्वोपरि शंकर जगत बनी सब वो तो अलग विषय हो गया वो पूज्य है सर्व पूज्य है लेकिन जो समाज से परोपकारी वो तो परोपकार करते ही रहते हैं साकुरित शंकर शिव जो विश्व का कल्याण करे उसका नाम शिव वो तो परोपकार करेंगे उनका लेकिन जो समाज से उठ करके परोपकारी की परिभाषा पूछी गई तो हमेशा परोपकार करते हैं इसीलिए वो शंकर लेकिन परोपकारी किसे कहते हैं जब परिभाषा पूछी गई तो भगवान शंकर को बता देना चाहिए उनसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं नहीं क्या बताई गई परोपकार की परिभाषा कुछ लोगों के नाम बताए परेशान उपकारा परोपकारा कथिति ये पुरुषा स्वाहानि लाभे चिंताम न करतो परेशान हितक तुरवन तो जब समाज में त्राही त्राही हो उस समय जो आगे निकलकर समाज की त्राही त्राही रोकने का काम करे बस वो परोपकारी और इसलिए मैंने कहा था कि परोपकारी को बदले में अपकार क्यों करिए कभी कभी व्यक्ति ज्यादा बोलने के कारण ये भूल जाता है कि हमें क्या बोलना और ये हमारे श्री सुरेश सिंह जी शब्दों में वार्ता बस दो शब्दों में अब फैलाते पूरा रहता कहने के लिए कह रहे हैं कि जो समाज से निकल करके आवे समाज के हित के लिए कल्याण के लिए वो परोपकारी कहलाता है तब तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र निकल करके आते होंगे समाज के कल्याण के लिए मरे दुर्दशा ये खो दोगे कि हमें किस धरातल पर रहना है और हमारा धरातल क्या भाई आप कह रहे हैं कि समाज जब ताय ताय कर रहा हो तो कोई समाज से निकल करके आता तो निकल कर व्यक्ति आता है कि शस्त्र आते हैं तुम तो अपनी बात से अपनी बात को काट रहे हो चलिए आपने कहा कि वज्र तेजहीन हो गया था हमने कहा था कि वज्र तेजहीन हो गया था तो कहा इंद्र तो थे फिर दत्तासुर का वध हो जाना चाहिए था अपने मतलब वाली केवल सुनी और जो मतलब की नहीं थी उस पर न सुना न उस पर गुना
उस समय इंद्र भी ब्रह्म हत्या का दोषी था। न्याय व्यवस्था को जो लोग देख रहे हैं वो हत्या का दोष लगा था, इस कारण वो ब्रह्म हत्या के निवारण में था। उसके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी तो उसके निवारण की योजना बनाई जा रही थी। ऐसे प्रत्यासुर का बल भी नहीं हुआ। सबसे पहले इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवारण किया गया और एक संगोष्ठी में समाज के चार लोगों ने निकल करके ब्रह्म हत्या का भाग लेने को स्वीकृति दी। वो थी पृथ्वी, जल, स्त्री। नहीं गलत, ये विश्वरूप के मत के बाद है। वृत्तासुर क्या ना, रुको रुको, इसको इसको अध्ययन कर लेना, बीच में बोलने के पहले अध्ययन कर लेना। ये बात विश्वरूप के मत के बाद है। और जब वृत्तासुर का अंत हुआ तो इनके बाबा ने खड़े होकर के ये बंटवारा कराया था। पढ़ लेना ना, कहना बीच में बोलने के पहले। रुक जा, हमें भागवत और पुराण सुनाओ, ये खुद जाके पढ़ लेना। जाके जब पढ़ लेना फिर हमसे बात करना। जिस समय वृत्तासुर का वध हुआ है उस समय इंद्र कमल की नाल में 1000 वर्ष रह करके तपस्या की थी। यही तो तुम्हें अभी जाके पहुंच जाके थोड़ा दिन, और अगर यही होता तो फिर आज हमारी जगह खड़े होते, बाहर बैठे होते। हाँ, इसी वजह से ना ये अपने कर्म में खूब पहो अध्ययन करो। यहाँ जो भी समाज में हम रखते हैं बगैर जानी समझी बात समाज में नहीं रखते। मैं सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। और एक बार ऐसे घटना घटी थी टिकरा में भी, अब हम नाम नहीं लेके ये खड़े हैं कुछ लोग, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, भगवताचार्य है, वो घर से भागवत देखा है। दोनों ही दोनों का पढ़ा हुआ विषय है, किसी ग्रंथ में ये भी है और किसी ग्रंथ में वो। मैं यहाँ दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। ये सही विद्वान है, वक्ता बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है। वृत्तासुर के बन के पश्चात ही देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है, ये भागवत का प्रमाण है। भागवत पुराण का निर्माण कर हुआ है। देखिए हमें आपने एक बात ये कह दी कि वहां बैठे होते हैं, कभी कभी व्यक्ति के सम्मान के कारण व्यक्ति को ऊंचाई मिल जाती है। और हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि साधु राजाओं के पक्ष से रावण जी खड़े थे। आइए, आपने कहा श्रीमद् भागवत का निर्माण कब हुआ, जितने भी पुराण है उन सब का निर्माण होता है द्वापर में। ये वैदिक काल चल रहा है, त्रेता का धरातल यहाँ वैदिक काल है, लेकिन प्रत्येक ये कौन सा त्रेता जैसा मूल है, इसीलिए वो पूर्ण मूल है। चलिए छोड़िए, आप आगे। हाँ, आपने कहा कि हमारी माँ ने पिता से कुष्मे रतिदान मांगा, ये बता नहीं पाओगे अगर। रुक जाओ, बता नहीं पाओगे, सब पूछ लो। तुझा रमान बाकी न रखो, सब लोग पूछ सकते, सबको खुली खुला बिल्कुल। हाँ, सबको अगर कुष्मे रतिदान मांगा तो कहे कुष्मे रतिदान मांगा तो कितने तीन एक साथ पैदा हो जाए। क्या बढ़िया, समाज में अपने पक्ष ला के खड़ा करती है भाई। कुछ समय रतिदान मांगा तो रावण पैदा हो गया, तो फिर कुंभकर्ण क्यों पैदा हो गया, फिर शूर्पणखा क्यों पैदा हो गई है? अगर कुछ समय ही रतिदान मांगा गया था तो भाई ये क्यों पैदा हो गए, तुम्हारे यहाँ क्यों पैदा हुए? नहीं रुक जाओ, ये रुको, अब अजब नहीं हो रहा, रुको, अब अजब नहीं हो रहा, रुको भाई, ये तो तुमने समाज में परोसा है, ये तो तुमने परोसा है कि हमारी माँ ने पिता से कुछ समय रतदान मांगा था। अरे ऐसे पुत्र जो अपनी माँ के ऊपर ही लांछन लगावे, इन्हें तो चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आज के बाद रुक जाओ, रुक जाओ, ये तुमने कहा कि मेरी माँ ने कुछ समय रतदान मांगा, हमने नहीं कहा है, ये तुमने कहा है, तुम्हें दिया है। रुक जाओ, काटने की तमीज नहीं। अरे रुको, तमीज तुम्हें बहुत है, अगर शास्त्र की हत्या। अरे देखिए, तुम्हें तमीज बहुत है, आपको तमीज बहुत है, आप बहुत तमीज वाले हो, बड़े विद्वान हो, हम समझ लिए आप बहुत तमीज वाले हो। हमें ना बताओ तमीज अमीज, आप बहुत तमीज वाले हो हमें मालूम है। अगर तमीज वाले होते तो फिर ऐसी बात न रखती। हमारी बात का उत्तर नहीं आ रहा है कि भाई रतिदान मांगा, हम आपकी बात को इतना ईमानदार नहीं मिलेगा। तो रावण पैदा हो गया तो कुंभकर्ण के अत्याचारी पैदा हुआ, शूर्पणखा के शात्री पैदा हुई, इसका उत्तर नहीं ढूंढ के ला पा रहे। तीनों साथ पैदा हुए इसलिए ये हुआ।
नहीं, प्रहलाद भक्त कैसे पैदा हो गया पता है कोई? हमने तो अपना बता दिया कि ये था कारण, और सार घर में जिन लोगों ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी उसमें प्रमाणित था, जो चाहे वो देख सकता है उसमें डाल के भी आजकल सीखता। अब तुम बताओ एक साथ पैदा हुए थे, हमें तो ऐसा कोई सूत्र नहीं पता है, तुम्हें कोई सूत्र पता हो तो स्पष्ट करो कि तीनों एक साथ पैदा हुए। कहने से अब पक्का खत्म नहीं होगा भाई, अगर इस तरह की वार्ता रखोगे अपनी बात बनाने के लिए झूठ बोलोगे तो फिर अब आप सूत्र रखो कि तीनों एक साथ पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण में है तो कोई सूत्र भी होगा, हमें तो भाई पता नहीं, हमें तो अभी तक यही पता चला कि रावण पहले पैदा हुआ, कुंभकर्ण उसके बाद पैदा हुआ, अभी भी उसके बाद सूर्पनखा पैदा हुई। जब तीन संतानें हो गई तो माता ने अपने विनय की, क्या आपकी संतानें सभी कुलकर्मा ही होंगी? तब उनकी प्रार्थना को सुना गया और कहा गया कि अब जो पुत्र पैदा होगा वो विष्णु भगत पैदा होगा। अब तुम्हें अगर पता है कि तीनों एक साथ पैदा हुए तो किसी सूत्र से सिद्ध करो, अन्यथा ये उठी बातें हमारे सामने मत रखो। अब आई, आपने कहा कि प्रहलाद का बीज का प्रभाव था, को सीमित करके प्रस्तुत किया जाए नहीं तो आप अगर बताओ तो हम दूसरी जगह यात्रा कर ले है, अगर अपनी वार्ता न रखनी हो तो दूसरी जगह वार्ता कर ले, कोई समस्या नहीं है। सज्जनों को देखते हैं, आप देख रहे हैं ये बात, इसमें जो प्रश्न किया था अगर उसमें कुछ आता है तो ये नहीं, ये फिर समाज में गलत संदेश दे रहे हैं भाई, देखे फिर समाज में गलत दे रहे हैं इस पर, हम तो वहां पर भी बोलना चाहते थे, बोलो अगर हमें तो कहना चाहता हूँ आप बोलते हैं। ईमानदारी से बताओ प्रहलाद का बीज के कारण परिवर्तन था कि घटना के कारण? बीज के कारण, यही तो बात है, मैं कहिए बड़े मगर बीज से एक छोटी देखिए ना रुको भाई, अगर बीज का परिवर्तन था और अगर बीज का परिवर्तन था तो प्रहलाद ने जन्म से ही वही प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, ये बीज में प्रवृत्ति के वही प्रहलाद ने भाई, जन्म से प्रवृत्ति हो जानी चाहिए थी प्रहलाद में दैत्यों वाली, क्यों नहीं? अगर वही बीज का प्रभाव था तो जन्म से प्रवृत्ति बदलनी चाहिए थी है, ये बाद में क्यों घटना का बीज का ही प्रभाव था। कुछ प्रबुद्ध लोग हैं यात्रा करके पहुंच गए होंगे, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस ये टूटेगा चाहे बड़ा पतला भी तो त्रिभुवन का रूप ले जाएगा, ये धसेगा बड़ा सन्न और ये चंडी लगा पे बताते नाना तुम्हें भारत तुम्हें कफा फूट जाएगा, ये की चंदास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा, तेरा शपथ मां पे का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई पत्थर शक्कार हुआ तो करवे है जरा अस्त्र शस्त्र वो वनाई प्रम पाएगा, उसके शरीर को करल बना ये बहुत शर्म की जाएगा, इसलिए हो जाओ तुम सावधान अब भेद नहीं चल पाएगा, और सीता के वर के चैन है उसको खंडित हो जाएगा, कहो ना धोखे चूना पी जाओ सब आते तक फाट जाए, तुम्हारे ऐसे चूना का चाहे जब पी जाए, हमारे जैसे चूना का हजम आर्य हमारे बंदी।